तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे सत्यमेव जयते 2 मूवी ट्रेलर के बारे में। देखो यार, मुझे कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, या फिर कहूँ मैंने कोई मूवी नहीं देख रखी थी, कोई सीरीज नहीं देख रखी थी जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, और ऐसे अंदर से मतलब हो रही थी गड़, मतलब कि क्या 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 कहते हैं, कोई कोई पर्टिकुलर मुझे शब्द नहीं मिल रहा, मतलब फीलिंग हो रही थी अंदर से कि यार वीडियो डाल, यार वीडियो डाल, कुछ तो बोल ले यार, कुछ तो बकबक कर ले। तो इस ट्रेलर को ऐसे उठा लिया मैंने रैंडमली, क्योंकि बहुत सारे वैसे भी आए हुए हैं ट्रेलर, तो इसको ऐसे ही रैंडमली उठाया है मैंने। चाहे सलमान खान के अंतिम मूवी ट्रेलर के ऊपर भी बात कर सकते थे, उसके ऊपर ज्यादा व्यूज आ जाते, नहीं यार व्यूज तो आते ही नहीं है यार, मैं अपना फिर से रोना लेके बैठ गया। इस मूवी के ट्रेलर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसके पहले जो मूवी आई थी सत्यमेव जयते 1, वो मैंने नहीं देखी, कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही नहीं देखी है उस मूवी को। अब जब इसका ट्रेलर 2 सेकंड मूवी का जो ट्रेलर देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई लिंक होने वाला है इससे पिछली मूवी का, क्योंकि एक अलग ही स्टोरी इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब जितनी स्टोरी इस ट्रेलर में देखने को मिल रही है उसकी चर्चा करें, तो एक पिता है जो वो मंत्री है, अब वो कुछ बनना चाह रहे थे और उनकी डेथ हो जाती है, वो किसान जैसे इसके अंदर दिखाया गया, वो किसान है। तो जब ये देखने को मिलता है, उनके दो बेटे हैं, अब वो दोनों बेटे जो हैं अलग अलग रास्तों पे निकल पड़ते हैं, दोनों ही समाज को सुधारना चाहते हैं, एक लोगों को मार कर सुधारता है यानी इलीगली कानून को अपने हाथ में लेकर, दूसरा कानून में है मतलब वो पुलिस ऑफिसर है, वो पुलिस के मतलब सिस्टम में रहते हुए लोगों को सुधारना चाहता है। अब दोनों का तो देखो आमना सामना होना ही था, एक अलग ढंग से चला रहा है अपने आप को, एक दूसरा सिस्टम के ढंग से चला रहा है, तो दोनों का टकराव होना ही था। और जबकि इनके पिता ने कहा था देखो बेटा लड़ाई मत करना, एक साथ मिलकर रहना यहां पर, तो ये सब चीजें हमें मतलब ट्रेलर में जब दिखाई गई तो मतलब पूरी की पूरी स्टोरी ही हमारे सामने आ जाती है। अब देखो यार होगा क्या, दोनों आपस में आमने सामने आएंगे, लड़ेंगे, एक की तो कहीं ना कहीं हार होगी, अब वो तुम आपको ही पता है यार किसकी हार होने वाली है। और ये जो पिता है और इनके दो बेटे हैं, इन तीनों का किरदार एक ही शख्स यानी जॉन इब्राहिम सर, इन्होंने ही प्ले किया है, मतलब तीन दो लोगों की तो नौकरी खा गए हैं ये, मतलब वो शायद यूनिक आइडिया हो सकता है इनका या फिर बजट कम हो सकता है, खैर जो भी है अपने हो गया, अपने को तो मजे लेने से मतलब। देखो यार ट्रेलर जितना देखा है इसके इस मूवी का, तो उसमें स्टोरी का तो देखो हमें पता ही चल पा रहा है। अब सस्पेंस के नाम पे मैंने कहा कि बस इतना ही रह गया है कि जो भाई है जो सेकंड वाला, जो मतलब बुरे रास्ते पे, बुरे रास्ता नहीं है कि जो अपने ढंग से लड़ाई से सिस्टम को सुधारना चाह रहा है, लोगों को सुधारना चाह रहा है, अब वो उसके साथ ही कुछ होगा, या तो वो सुधर जाएगा या वो मर जाएगा या फिर जेल में चला जाएगा, यही होगा उसके साथ। और इतनी ही चीजें बचती हैं इस मूवी में गैस करने के लिए, बाकी सारी चीजें तो ट्रेलर में दिखा दी गई हैं। खैर ये जो भी था, ये भी जब हम डाइजेस्ट कर रहे थे चीजें सही लग रही थी, लेकिन ये वाली कौन सी चीज होती है यार, इसमें बाइक को एक हाथ से रोक दिया, यार बाइक को एक हाथ से कोई तो कुछ और भी रोक देते यार, बाइक को एक हाथ से रोक कर कौन सी कंपनी के वो बाइक, वो पक्का केस कर देंगे, मतलब लोग तो यही कहेंगे ना यार तुम्हारी तो बाइक एक बंदे से मतलब उसको खींच नहीं पा रही है, हम क्यों ले तुम्हारी बाइक, मार्केटिंग खराब हो जाएगी ना इससे तो। और ये भी फिर भी ठीक था, अब एक बंदा उसके ऊपर बिठा के बाइक को एकदम एग्जैक्ट सही बैलेंस है, मतलब ना इधर ज्यादा ना इधर ज्यादा, एकदम बिल्कुल सही बैलेंस में उसको उठा लिया गया, मतलब लॉजिक फिजिक्स सब गए भाड़ के भाड़ में, मतलब कोई भी मतलब यहाँ लॉजिक चीज काम करेगा ही नहीं, मतलब हंसी बहुत आई थी उस चीज को देखकर, मतलब क्या कर रहे हो यार, कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, पहले तो बाइक उठा उठा के फेंक रहे थे, वो भी ठीक था, कर हो सकता है इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि बाइक उठा के फेंक सकता है, अब एक कदम और आगे चल गए कि बाइक से काम नहीं चलेगा, एक काम करो उसके ऊपर एक बंदा बिठाओ, अब बंदा और बाइक दोनों को एक साथ उठाया जाएगा और दोनों को फेंका जाएगा, और बिल्कुल इक्वल बैलेंस के अंदर उठाना है। और मतलब ट्रेलर को देखकर हंसी भी आई, मतलब कॉमेडी है ट्रेलर के अंदर, मतलब मूवी के अंदर। अब एक और चीज, जो टेबल यार वो बीच में से कैसे टूट गई यार, एग्जैक्ट बीच में से टूट रही है एक मुख्य से, वो भी नाप तोल की चीजें दी जा रही है वहां पे, सही मतलब इक्वली होगा, पूरा ध्यान रखा जा रहा है इक्वलिटी का यहाँ पर मूवी में, कोई फालतू शालतू चीज नहीं होगी, बैलेंस में बाइक उठाई जा रही है, इक्वली टेबल तोड़ी जा रही है यार मजाक कर रहा हूँ, तो यार मूवी के अंदर ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, तो देखेंगे कहाँ पर। यार ट्रेलर मुझे सही लगा, ठीक ठाक लगी इसकी स्टोरी, बस यही था कि यार ट्रेलर में आपने पूरी स्टोरी ही बता दी है, तो सस्पेंस क्या रहने वाला है, दोनों भाई आपस में लड़ने वाले हैं, यार देखने वाली बात है कि सस्पेंस में ये क्या रखेंगे, या फिर ये मूवी ऑडियंस को कैसे बांध पाएगी शुरू से लेकर आखिर तक, यार ये जब मूवी आएगी तभी बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, बस ऐसे ही रैंडमली बनाई है क्योंकि वीडियो डालनी थी। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसे लगी, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे तो लगते हैं नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।